if you are not in the process of becoming what you want to be, automatically you are in the process of becoming what you don't want to be. क्या मतलब हुआ कि जो आप बनना चाहते हो यदि उस प्रोसेस में सोच समझ से डेलिबरेटली काम करते हुए नहीं लगे हुए हो तो आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जो आप बनना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पे नहीं छोड़ सकते। ऑटो पायलट मोड पे छोड़ोगे या बिना पतवार का नाव चलाओगे तो आपकी जीवन जो है भटक रही है। यू विल नॉट गो एनीवेयर। यू आर 18 प्लस, यू शुड टेक चार्ज ऑफ लाइफ। कि नाउ विल टेक चार्ज ऑफ लाइफ। हो सकता है कि बचपन से आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाई गई हैं, बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन, जो एक्चुअली आपके आज काम आने की चीज नहीं है, जो आज आपके किसी काम का नहीं है। एग्जामिन करके देखना, आप ओल्ड माइंडसेट से कुछ नया काम नहीं कर पाओगे। आज आपने आईएएस बनने का सोचा, सिविल सर्विस से सोचा, चाणक्य आईएएस एकेडमी के बारे में स्टडी की, बैकग्राउंड जाना, आप यहां आ गए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं क्योंकि एक पास्ट हिस्टोरिकल सक्सेस रेट है, चीजें हैं, जगह आ गए, आपने करेज दिखाया, मेहनत की, आगे बढ़े। लेकिन यही आपके बहुत सारे अभी दोस्त होंगे जो सोच रहे होंगे कि आईएएस बनना तो लोहे के चने चबाने के बराबर, मैं नहीं चबाती, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, बट अच्छे अच्छे फ्रेज यूज कर रहे होंगे, मुझे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, मुझे पार्टी में जाना है, भांगड़ा करना है रोज, राइट हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है भाई, हमने तो ठीक है, हमने प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी करनी, लेकिन आपने डिसीजन अलग लिया, तो लेट मी क्लैप फॉर यू, यू हैव टेकन ए डिसीजन, आपने एक डिफरेंट डिसीजन अपने ले लिया है, सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने में आपने एक जबरदस्त डिसीजन लिया है, जिसमें आपने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि मुझे जो है किसी ऐसे सफर में जाना है जिसमें सिर्फ अपने नहीं ली, हजारों लाखों के लिए यूजफुल बनना है, मुझे बड़ा बनना है, और बड़े बन करके हम लोगों को भी अपनी छांव में रखेंगे, लोगों के आंसू पोछेंगे, लोगों की जिंदगी बदलेंगे, और इसे इसके बदले में जो समाज है हमें, ये रिटर्न है ना, गिव एंड टेक थ्योरी है, जब हम बड़ा कुछ देने को सोचते हैं तो हमारा नाम आता है। मदर टेरेसा वॉज जस्ट ए नर्स, यू नो इट, उसका जीवन नौकरी करके रिटायर खत्म हो सकती थी ना, अच्छा खासा जो है कैथोलिक चर्च में थी, लाइफ हो सके, बहुत लोग रिटायर होते हैं, पर एक नर्स ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा, बड़ी सेवा की बात करी, तो सी बिकेम मदर टेरेसा। व्हाट वाज हर ओरिजिनल नेम? एनजी। सी बिकेम मदर टेरेसा। मोहनदास करमचंद गांधी, ही वॉज जस्ट ए मोहनदास, ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग बिग फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री मैन, ही कुड सी द सफरिंग ऑफ द पीपल इन साउथ अफ्रीका, ही कुड फिनिश हिज लाइफ ए लॉयर, अपने लॉ के एजुकेशन को ही कुड सी दैट ही हैज ए बिगर पर्पस टू प्ले, नॉट सिंपली टू गो फाइट केस फॉर सम ऑफ द क्लाइंट्स एंड अर्न मनी, ही से कि इज माय एजुकेशन कैन प्ले बिगर रोल फॉर द सेक ऑफ माय कंट्री मैन, राइट उनके पास भी चॉइस था, जिस समय रेड ट्रेल के डब्बे से फेंक दिए गया बाहर कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हैं, दैट इज सच ए क्रिटिकल स्टेटमेंट रिटन, राइट, लेकिन बोला नहीं इसको ऐसे नहीं मारूंगा, इसको बुद्धि से मारूंगा, और अब जो है अपने लीगल पॉइंट को फॉलो करते हैं, चूंकि मैं लॉयर भी हूं, है ना, करेक्ट, तो उसके साथ में मैं अपने लॉ पॉइंट को आगे लेकर जाऊंगा। हर जगह में हमारे पास चॉइस है, हमारे समाज के अंदर उसको उस लड़ाई का भी सही रूप देने का तरीका, एक है कि लड़के मर जाएं, और दूसरा है कि हम ऐसा कर दें जो दूसरों को भी मरने ना दें, हम ऐसा कुछ करें जो हम मरने ना दें लोगों को, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे हमने काम किया। जहां कुर्बानी देने की बात आई तो भगत सिंह जी खड़े हुए विथ ए प्लान, है ना, हमारे कितने लोगों ने वो बहादुरी दिखाई हमारे आजादी के लिए, किसे ले जाने के लिए, लेकिन हमें कहाँ क्या करना है वो फैसला तो हमारे हाथ में है ना, कि कब और कैसे जरूरत है, कि अपनी वीरता भी कहाँ दिखाना है, अपनी बुद्धिमता कहाँ दिखाना है, कहीं काम क्या करना है, राइट, तो दैट इज समथिंग ग्रेट इन अवर सोसाइटी इन लाइफ। ऑलरेडी
प्रूव्ड बाय अवर ग्रेट मैन, और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने इसको करके दिखाया, हम उन्हीं को सिर्फ फॉलो कर लेना, हमारा काम बन जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आप स्टूडेंट हैं, आप एक आज यंग चिल्ड्रन हैं, आपको अपने लाइफ में अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद द जर्नी यू हैव टेकन, एंड जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप टेकन। आपने स्टेप ले लिया है, अब आपको उसके अंदर में चलते चले जाना है थोड़ी सी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके काम की है, यू कैनॉट चेंज योर पास्ट। कर सकता है कोई? कोई है आपके पास में जो बताया कि सर पास्ट कल वाला दिन चेंज कर देते, रीसेट करते? नहीं हो सकते। यू कांट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन बी आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर एंड योर डेस्टिनी। नहीं अच्छी लगी बात? यू कांट चेंज योर पास्ट बट यू कैन बी आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर एंड डेस्टिनी। आर्किटेक्ट, आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट आप ही हो, कोई और नहीं है। बाकी सब लोग जो है आपके सहायक होंगे, माँ बाप फैमिली सब लोग, टीचर सब आपके सहायक हैं। यू हैव टू टेक ए लीड। व्हेन यू आर इंस्पायर्ड, पतंजलि सेज, व्हेन यू आर इंस्पायर्ड, पतंजलि सेज दैट ऑल द पीपल इन रिसोर्सेज हु आर नॉट विजिबल अर्लियर, दे विल स्टार्ट appearing before you, they will be visible before you, and they will make all the difference in the life. You got it? So here is your choice and your destiny to go. एक और बात जो आपको समझनी है, जो अभी आगे की बात को समझाने में मुझे help करेगा, कि success is not what you achieve, success is what you become while achieving it. You got it? Success is not, एक बार आप ध्यान से सुन लो तो और अच्छी ताली आएगी आपकी, जैसे सुन लो। सक्सेस इज नॉट व्हाट यू अचीव, सक्सेस इज अबाउट व्हाट यू बिकम व्हाइल ट्राइंग टू अचीव, राइट? ये आपके जो सक्सेस है, क्या पाया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप बन गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई करने के बाद आईएएस नहीं बनोगे, आप पहले आईएएस बन जाओगे, यूपीएससी सेलेक्ट आपको बाद में करेगी। ये बात आपको क्लियर है? सिलेक्शन आपको बाद में करेगी, क्योंकि आपके अंदर बोलने में, सोचने में, लिखने में, बिहेवियर में, पर्सनालिटी में वो ऑलरेडी आ चुका है। उनमें से जिनके अंदर वो क्वालिटी दिख गई ज्यादा, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपके सिलेक्शन के बाद टैग नहीं लगेगा, आप सिलेक्शन ऑलरेडी बन चुके होंगे मन से विचार से, तो आपको बाद में ठप्पा लग गया कि आप सिलेक्शन का आपका हो गया। तो इसका मतलब है, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, बी रेडी टू फेस अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स। आप अपने जीवन में हमेशा रेडी रहो, बाधाएं आएंगी, लेकिन उस बाधा को आप यूज कैसे करोगे वो आपके इंपॉर्टेंट है। आप उसके कारण से रुक जाओगे, आप उससे चोट खा करके गिर जाओगे, या गिर करके आप उठ जाओगे, वो एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन आएगा। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके काम की है, वो समझना है। ये आपके स्टेटमेंट जो बोलने जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपके पेपर 4 और जीएस के एसए में भी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। लियो टॉल्स्टॉय का कहना है, एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। किसने कहा? लियो टॉल्स्टॉय ने कहा, एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, नॉट ऑफ थिंक चेंजिंग हिमसेल्फ। ये क्या इंपॉर्टेंट है? ये इस तरह के स्टेटमेंट आपको यूपीएससी दे देती है, बोलते राइट एसे। आपको स्टेटमेंट आपको पेपर 4 में देती है, नाउ यू कमेंट ऑन दैट, और सारी चीजें आप उसके अराउंड आप फिर वीव करते हो। इंपॉर्टेंट ये है, आप में से कौन बताएगा कि ये स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, मेजोरिटी ऑफ द पीपल थिंक लाइक दिस, ये दुनिया जो है ना बेकार है, इसको चेंज होना चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं ना ऐसे हैं, वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, वो ऐसा है। लेकिन ये इसलिए दिखता है आपको क्योंकि आपने चश्मे उसी प्रकार के पहने हुए हैं। जिस दिन आप चेक करोगे कि मेरा चश्मा ठीक है,
बहुत लोग चश्मा पहन रखे हैं हम लोगों ने, रोज रोज चेक करना चाहिए ठीक है कि नहीं, राइट। सबसे पहले जब ये चेक कर लिया कि ठीक है तो आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन इसमें कुछ कलर चढ़ा हुआ है, इसमें येलो कलर है, ये रेड है, ये कुछ है, तो जैसे चश्मा पहनते हो जिस कलर का उसे दिखने लगता है ना इंसान, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा माइंड है, माइंड सेट की किस नज़र से हम देख रहे हैं। आप लोग एक वर्ड जानते हैं पैराडाइम किसको कहते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडाइम? पैराडाइम वर्ड जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं, बाद में गूगल बाबा ही बता ही देंगे आपको, बट हम पहले हम बता देते हैं, ठीक है। पैराडाइम इज डिफाइंड एज परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज योर पैराडाइम विल डिसाइड योर लाइफ, कि व्हाट इज योर परसेप्शन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग इन दैट वर्ल्ड, राइट। नाउ व्हेन टॉल्स्टॉय सेज एवरीबॉडी वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि आप दुनिया को बदलना चाहोगे, उससे बेटर है कि आप खुद बदल लीजिए अपने आप को। वो बदलने में इसको फिर इसके इसी के गांधी जी जो हैं, मे बी ही वॉज हिमसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड प्रैक्टिस इन हिम लाइफ, तो वो उसी को दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अब आपको पता है ये इसके पीछे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो गांधी जी की अप्रोच को जस्टिफाई करता है। एक बार एक वन लेडी केम टू मीट गांधी जी, जो सब लोग पब्लिक मीटिंग में आते हैं। गांधी जी बोले, महात्मा मेरे बेटा जो है इसको समझाइए। बोले, क्या प्रॉब्लम है? कहता है ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं। क्या बोला उसने कि इसके दांत खराब हो रहे हैं, इसका गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है। तो गांधी जी ने बोला, एक काम करो माता, आप एक हफ्ते बाद मिलना। तो बोले अच्छा, बेटे को लेके चले गई। फिर एक हफ्ते बाद वो महिला आ गई, फिर से बोले कि अब बता दीजिए, इसको समझाइए कैसे ठीक होगा। बोले, एक हफ्ते बाद और आना प्लीज़, एक हफ्ते बाद आना। बात ना हो कि छोटी सी बात बताना है गांधी जी को, ये बार बार फिर एक हफ्ते बाद बुला रहे हैं। एक हफ्ते बाद जब आए तो बोले, हाँ अब आओ, बताते हैं इसको, समझाते हैं इसको। तो बोले कि बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या बताने वाले हैं जो दो हफ्ते तक आपने नहीं बताया। बोले, कारण ये था कि जिस दिन तुम पहली बार आए थे उसमें खुद मैं बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था और मैं खुद परेशान था कि छोड़ूंगा कैसे, चूँकि अब मैं दो हफ्ते में सीख गया हूँ तो अब तुम्हारे बेटे को मैं बता सकता हूँ और मैं उसके लिए ऑथराइज्ड हूँ, उसके लिए मैं मॉरली नाउ आई एम अलाउड टू स्पीक दैट। कैन यू अंडरस्टैंड? दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए महात्मा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए पर्सनालिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए पर्सनालिटी, कि आप आपके चेंज लाते हो। उसी तरह से आज के दिन में आप कहते हो कि यूपीएससी अपना पैटर्न मेरे हिसाब से कर दे, वो हो सकता है? नहीं हो सकता, चूंकि ऑल इंडिया में लाखों लाख लोग अपीयर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बदलना होगा और आपको उस पर ट्यून करना होगा और आपके रोज के रूटीन में भी एक चेंज लाने होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा, आपकी लाइफ में एक चेंज लानी होगी, राइट। मैं अपने मोर देन 3 decades के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। जो आज आप पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, ये कुछ नई बात नहीं है, इसमें धोखे में नहीं पड़ना है। यूपीएससी इज ऑलवेज चैलेंजिंग एवरी ईयर। आई एम यूजिंग ए वर्ड कॉल्ड कैरेक्टर। आप कैरेक्टर क्या होता है कौन बताएगा आप में से? लेकिन नॉर्मल तौर पे हम कैरेक्टर वर्ड कैसे यूज करते हैं? नहीं, नॉर्मल टाइम में बोलते हैं इसका कैरेक्टर बहुत खराब है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। कैसे बोलते हैं? किस कुछ बिहेवियर से पकड़ लेते हैं, एटीट्यूड से पकड़ लेते हैं। सब वर्ड आ रहा है इसके अंदर, एटीट्यूड है, बिलीफ सिस्टम है, एरोगेंस की बात आ गई है ना। कैरेक्टर इज ए सम टोटल। आप का डेफिनेशन क्या होगा एज ए कैरेक्टर? कैरेक्टर मीन्स दैट इज योर चरित्र, जिसको हिंदी में कहते हैं। इट इज सम टोटल ऑफ योर बिलीफ, योर एटीट्यूड, योर परसेप्शंस, योर बिहेवियर, द वे यू इंटरेक्ट विद द पीपल, द वे यू मीट द पीपल, ये सारे उसके अंदर शामिल होगा। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आपने सुना होगा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, करेक्ट। क्योंकि वेल्थ है गया आ जाएगा, वो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ चीजें हुई। हेल्थ, यदि हेल्थ चला गया तो आपको चुनौती होगी, इट मे नॉट बी दैट इजी टू गेट बैक, बट कैरेक्टर चला गया तो आपकी सब कुछ गई, खत्म जाए।
तो इसका मतलब है कैरेक्टर पे वर्क करनी। अब वो कैरेक्टर बनता कैसे है, सबके पास कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर जो आईएएस बनना है वो मुझे चाहिए। अब यहाँ थोड़ा डिस्कशन आप सिविल सर्विसेज की ओर में आ रहा हूँ। आप देखिए, हमें वो कैरेक्टर चाहिए जो सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, जो यूपीएससी ने अलग अलग सिलेबस दे के हमें समझाने की कोशिश की, ऐसा कैरेक्टर लेके आओ। इसलिए पेपर फोर भी दे दिया एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के बाद, लेकिन पेपर वन से लेकर पेपर फोर और एसए और जी सब कुछ जब देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक कैरेक्टर बिल्डिंग की कोशिश चल रही है विच मैचेज विद द एस्पिरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सेवा, सेवक बनने जा रहे हैं विद डिग्निटी एंड पावर। दैट पावर ऑफ सर्विस विल मेक मिराकल इन द होल थिंग देयर एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी। अब ये कैरेक्टर कैसे बनता है, कौन बताएगा कैसे शुरू होती है, फैमिली, सोसाइटी, पीपल अराउंड, है ना, कल्चर, करेक्ट। इसके लिए एक वर्ड देखो क्या होता है कि हम डेली वर्ड यूज करते हैं लेकिन हम कई बार उसके स्टेट्स नहीं जानते कि वो वर्ड्स कैसे बनता है और उसकी मीनिंग क्या होती है और उसको कैसे कैसे हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। आप सारे लोग वर्ड यूज करते हैं परसेप्शन, क्या होता है परसेप्शन, परसेप्शन का मीनिंग क्या होगा, हाउ डू यू परसीव द वर्ल्ड, हाउ डू यू परसीव द पीपल अराउंड यू, परसेप्शन। और परसेप्शन कहां से आता है, राइट फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, कि आपके बचपन से आपके लोगों ने आपको कैसे वर्ल्ड को परसीव करना दिखाया, किसी से प्यार करना सिखाया, किसी को हेट करना सिखाया, आप कैसे बिलीव करोगे, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, किस जगह के रहने वाले हो, ये सारे परसेप्शन का एक पार्ट होगा, राइट। नाउ हम कैरेक्टर तक पहुंचने से पहले पहले हम वर्क क्या करेंगे, आपके परसेप्शन को चेंज करेंगे। आपके मामले में परसेप्शन कैसे चेंज होगा, सबसे पहले सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि परसेप्शन एक बड़ा टफ एग्जाम है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, इट्स ए परसेप्शन। परसेप्शन ये है कि यूपीएससी हर बार अपना पैटर्न बदल देती है, हमारा फियर हो गया कि नहीं बदलती तो कितना अच्छा रहता है ना, सीसेट हटा देती तो और कितना अच्छा रहता, अच्छा होता कोई एग्जाम ही नहीं लेती तो कितना बढ़िया रहता, ठीक भाई, यहां भी सोच सकते हैं ना, सोचते सोचते वहां तक जा सकते हो, कितना अच्छा होता कि हम सीधे जाते ड्रेस बढ़िया पहन करके हंसते बोलते और बोलते ये पर्सनालिटी है, चीज को ले लेते हैं, है ना, करेक्ट। तो फिर सारे मॉडल्स को बुला बुला करके आईएएस बना देते, है ना। तो मेरा क्या कहना है, परसेप्शन पहले, कि ये एग्जामिनेशन इंसान करता है, कोई सुपर ह्यूमन आके क्वालिफाई नहीं करता है। आज एक कैंडिडेट सेकेंड हाफ में आ रही है जो चाणक्य के इंटरव्यू में थी, उसका वीडियो भी मैं कल देख रहा था, सी इज फिजिकली चैलेंज, बोल नहीं सकती, चीजें हैं, और वो कैंडिडेट आपके सामने इवनिंग में आज हो गई यहाँ सेकेंड हाफ, जस्ट सी के हाउ सी कुड डेयर टू मेक इट राइट। तो वो क्या है, परसेप्शन है। 3 years back सौम्या शर्मा, सी गॉट ऑल इंडिया 8th rank, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था, उसको पूछा, सौम्या यू हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट, तुम कब से है, बोली सर बचपन से, 8 साल से मुझे, लोगों को पता ही नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम है, तो बाद में जब चेक हुआ तो पता चला कि आई हैड ए प्रॉब्लम बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डेवलप एंड इंटरलाइज एनीथिंग, बहुत थोड़ी सी सुन पाती थी, बाद में पता चला कि हियरिंग तो है ही नहीं मेरे पास, प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि तुमने वहाँ से सफ़र, तुमने इंजीनियरिंग भी कर लिया और तुम आईएएस के क्वालिफाई के 8th ranker भी बन गए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। बोला सर आपको बताऊँगा राज की बात, इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मेरी हियरिंग खराब थी। मैंने कि वो कैसे, बोले कि जब जब मुझे बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, कंप्लीट चिंतन करना था, ईयर प्लग उठा के बंद कर देते थे, आराम से मैं पढ़ाई करती थी, दैट हेल्प मी अ लॉट। कैन यू सी द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, अप्रोच ऑफ ए पर्सन, कि जिसको कहता है कि हियरिंग के प्रॉब्लम, वो कह रहा है कि मैं अपने इसको निकाल करके ज़्यादा फायदा उठाया मैंने। सो दैट इज समथिंग कम्स विथ योर होल थिंग, हाउ डू यू परसीव योर वर्ल्ड, टू योर एडवांटेज और टू योर डिसएडवांटेज, ऑलवेज सी द वर्ल्ड टू योर एडवांटेज। कुछ दिख रहा है कि एडवर्सिटी हो रही है, नेगेटिव हो रहा है, उसमें भी देखो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, आपको दिखने लगेगा कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। सो परसेप्शन हैज टू बी वर्कड ऑन डेली के परसेप्शन में। आप आज के दिन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जो आपको कैच करना चाहिए। आज आप ऑल इंडिया के नेशनल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव बनके इंडिया के सर्विस में जाना चाहते हो,
वहां ना तो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे और ना ही अपनी सोसाइटी का, ना रिलीजन को, ना किसको, वो आपका पर्सनल मैटर है। जिस जगह जाना चाहते हो उसका रिप्रेजेंटेशन एक डिफरेंट परसेप्शन से होगा कि आई एम अ वेरी सीनियर पोजिशन गवर्नमेंट ऑफिसर टू हैव टू बिकम, और उस प्रोसेस में मेरा परसेप्शन, नजरिया जिसको कहते हैं हिंदी में, एकदम डिफरेंट होगा। मुझे वो परसेप्शन डेवलप करूंगा तब मैं इसके काबिल बनूंगा। लेकिन यदि मैं सोचूंगा कि मैं किस परिवार को, मेरे परिवार को ऐसा सोचते हैं, वो मेरा रिफ्लेक्ट करेगा, यदि मेरा रिलीजन रिफ्लेक्ट करेगा, मेरी जाति रिफ्लेक्ट करेगी, मेरा स्टेट रिफ्लेक्ट करेगा, मैं आईएएस नहीं बन सकता। ये आपको सोचना होगा, वो परसेप्शन डिफरेंट है। उसी के लिए ये सारा सिलेबस और करिकुलम बनाया गया। परसेप्शन सही होगा तो आपको राइट थॉट्स आएंगे। परसेप्शन का नेक्स्ट स्टेज क्या है? थिंकिंग, थॉट्स, किस तरह के थॉट्स आएंगे। थोड़ा सोचो मैं क्यों कह रहा हूं। बहुत सारे रिलेशन में जो झगड़े होते हैं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन बिगड़ जाते हैं, उसके पीछे आप देखोगे जब ये अंदाज में ये परसेप्शन का खेल है, कहीं से कहीं सजेशन इधर उधर हो रहा है या माइंड चेंज हो रहा है, करेक्ट। फैमिली में डिस्प्यूट होती है, डिवोर्स हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, सब परसेप्शन का खेल है कि थॉट्स कैसा क्रिएट हो रहे हैं। व्हाट एवर थॉट्स आर बीइंग जनरेटेड, थॉट्स विल क्रिएट यू और थॉट्स विल डिस्ट्रॉय यू। तो सेकेंड स्टेज क्या हुआ, यदि आपको अच्छे थॉट्स लाने हैं तो पहले परसेप्शन ठीक करने होंगे। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ अच्छा करना है तो उसके परसेप्शन चेंज करने होंगे। आपका परसेप्शन है हिस्ट्री बहुत टफ है, ज्योग्राफी बहुत टफ है, इकोनॉमी टफ है, वो टफ होगा, बहुत ज्यादा होगा और बढ़ जाएगा वो। लेकिन है कि नहीं ये टफ और क्या होता है, सब लोग करते हैं, मैं भी बेटर करने की पोजिशन हूँ, सब्जेक्ट वही है ना, सबको पढ़ना है। तो परसेप्शन से थॉट्स, जब थॉट्स से आगे बढ़ोगे तो बिलीफ आएगा। आपका बिलीफ होगा या नहीं होगा, फियर होगा या बिलीफ होगा, ये डिपेंड करेगा आपके थॉट्स क्या हैं। यदि आपके थॉट्स आपके अंदर लगातार लगातार नेगेटिव जा रहा है तो आपका क्या होगा, आपके परसेप्शन जो है, बिलीफ भी चेंज हो जाएंगे। रिमेंबर इट, आपके अंदर दो आपके मित्र हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक का नाम है मिस्टर ट्रायंफ और दूसरा का नाम है मिस्टर डिफीट। दोनों आपके साथ रोज उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, आप ही के अंदर हैं। आपके अंदर ये दोनों में से किससे काम लेना है, चॉइस आपका है। यदि आपने हमेशा दोस्ती रखी ट्रायंफ के साथ तो सुबह से शुरू हो जाएगा, जीतना है जीतना है, प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, जीतना आगे जाना है। मिस्टर डिफीट को यदि ऑन रखा हमने सुबह से ही आगे तक तो हर बाधा के बाद बोलेगा नहीं पॉसिबल है, संभव नहीं है। वो सब वो ट्रीज ढूंढेगा जो एक्सक्यूजेज लेने में हेल्प करेगा कि ये प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हुआ। सो ऑलवेज बी अ फ्रेंड टू योर ओन फ्रेंड दैट इज ट्रायंफ, मिस्टर ट्रायंफ को, ट्रंप नहीं, ट्रायंफ, ठीक है, मिस्टर ट्रायंफ को दोस्ती आपके लिए जरूरी है। रुबह सुबह जैसे आए रिचिता ना, रिचिका सुबह जब आए कोई थॉट, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, समझ जाओ कि मिस्टर डिफिट इज ऑन, एक झटके से मारो उसको, गेट आउट, लेट मिस्टर ट्रायंफ कम, कैसे नहीं होगा, मिरर के पास जाके खड़े के देखो, क्या बहुत लोगों से मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं हम भी, उसमें काफ़ी लगते हैं, सब कुछ होगा, देखो कैसे लाइफ चेंज हो जाता है। तुम जब यहाँ आओगे, सेंटर में आओगे, लोगों से मिलोगे, तो मिस्टर ट्रायंफ की दोस्ती फिर मिस्टर ट्रायंफ से होगी, और मिस्टर डिफिट लेके घूम रहा है मिस डिफिट, तो उनकी दोस्ती फिर मिस डिफिट के बीच में चलेगी कि कौन ऐसा मिलेगा जो मेरे जैसा सोचे कि नहीं हो पाएगा, कहाँ फंस गए, माँ पिताजी ने समझ लगा दिया, बड़ा मुश्किल काम है, वो उसको ढूंढेगा सिंपैथी के लिए। और जो आदमी मिस्टर ट्रायंफ को जगह वो ढूंढेगा कि नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, उसका रास्ता कौन बताएगा। तो दैट इज थॉट। सो देन कम्स एटीट्यूड, मनोवृत्ति, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो जैसे एटीट्यूड आपका बनेगा आप जो है डिफरेंट हो जाओगे। थॉट्स क्रिएट्स एटीट्यूड एंड एटीट्यूड डिफाइंस योर एल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड कि कैसा आपकी होगी, लगातार आपकी एटीट्यूड क्या है उसमें। नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, ये आपके सारे जो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, कुछ कट किया मैंने टाइम क्या वहाँ पे, ये मैं आपको सारा देने वाला हूँ, ये हमको बोल दिया कि आपके सारे आपको टेलीग्राम या जो भी ग्रुप में आपको दे देगी, कविता को बोल दिया मैंने, ये सारे प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आती है एक्शन, यदि एक्टिव आप एटीट्यूड सही आपका तो आपका एक्शन सही होने लगेगा।
एक्शन के आगे आता है हैबिट्स, हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट इज द नेक्स्ट स्टेज। एक्शन सही होगा हैबिट ठीक हो जाएगी, और हैबिट ठीक हो गया तो कैरेक्टर बन जाएगा, एंड दैट कैरेक्टर इज ऑफ सक्सेस, दैट कैरेक्टर इज ऑफ सक्सेस देयर, राइट। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.